पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के निर्देश के बाद सुजानपुर भाजपा मंडल एवं सुजानपुर भाजपा शहरी इकाई ने पूर्व मुख्यमंत्री का जन्मदिवस बेहद सादगीपूर्ण तरीके से मनाया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर बाल आश्रम सुजानपुर में पहुंचे। यहां जीवन बसर कर रहे बच्चों को फल फ्रूट बांटे। बच्चों ने फल फ्रूट प्राप्त करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री को हैप्पी बर्थडे कहा और गाना गाते हुए उनका जन्म दिवस मनाने का आनंद उठाया। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य कैप्टन रणजीत सिंह, सुजानपुर शहरी इकाई अध्यक्ष सुमन महाजन, सुजानपुर शहरी इकाई सचिव प्रकाश पोरवाल, युवा भाजपा नेता आशीष महाजन, पूर्व वार्ड पार्षद सरवण कुमार के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपने संदेश में सभी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री के जन्म दिवस पर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए दीर्घायु की मंगल कामना की। अपने बधाई संदेश में भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रदेश का दो बार नेतृत्व करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री स्वस्थ रहे, उनका मार्गदर्शन प्रदेश के साथ साथ जिला को मिलता रहे, उनका भविष्य उज्जवल रहे। इस मौके पर बाल आश्रम के बच्चों ने भी पूर्व मुख्यमंत्री को जन्मदिवस की बधाई दी और उन्हें भेजे गए फल फ्रूट का भी धन्यवाद किया। आश्रम के बीच में हम सब सुजानपुर शहरी इकाई और पार्षद और उपप्रधान व यहाँ के प्रमुख लोग सब इकट्ठे हुए हैं और बाल आश्रम के बीच में जन्मदिन है। इसके उपलक्ष में सब ने इकट्ठा होकर के यहाँ बाल आश्रम के बीच में बच्चों को फल बांटे हैं और हम भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी हमारे देश के, प्रदेश के व हमारे जिले के आन बान और शान हैं। हम भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि इनकी बहुत लंबी आयु हो और इनका आगे उज्जवल भविष्य हो, यही कामना हम भगवान जी से करते हैं। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत। सबसे पहले तो मैं दो बार हमारे मुख्यमंत्री रहे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, उनकी दीर्घायु की कामना करता हूं। उनके जन्मदिन के इस उपलक्ष्य में सुजानपुर भाजपा, सुजानपुर युवा मोर्चा और शहर के अन्य लोगों द्वारा शहर बाजार में मिठाइयाँ बांटी गई कि उनके और उनके जन्मदिन की जन्मदिवस पर उनके सारे शहर में मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं और उनकी दीर्घायु की कामना की जा रही है। और इलेक्शन के बारे में तो अब ये तो अलग से बात है, उसके बारे में अवश्य धूम साहब इलेक्शन लड़ेंगे और हम धूम साहब के साथ हैं और निश्चित तौर पर 2022 के इलेक्शन में धूम साहब इलेक्शन लड़ेंगे।